ब्यूटी सुंदरता इस जनरेशन के लाइफस्टाइल में अहम भूमिका निभा रहा है। सिर्फ वुमेन को ही नहीं, मेन भी अपनी फिजिकल ब्यूटी मेंटेन करने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस ने जॉब में सक्सेस को लेकर फ्रेंड्स बनाने में भी अपनी जगह बना लिया। ये फिजिकल अपीयरेंस या ब्यूटी को एनहांस करने के लिए आज कई प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो एक मल्टी मिलियन बिजनेस बना है। ये प्रोडक्ट्स बनाने के पीछे कई सच छिपे हैं, जो कई लोग नहीं जानते हैं। ग्लॉसी लिपस्टिक, आई मेकअप, ब्लशिंग्स जैसे प्रोडक्ट्स यूज कर फेस पर गोल्डन ग्लो लाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये प्रोडक्ट्स माइका से बनाने के कारण इसे यूज करने से गोल्डन ग्लो लाया जाता है। ये माइका जो एक नेचुरल रिसोर्स है, वो कॉस्मेटिक्स से लेकर कार पेंटिंग्स तक सभी में यूज़ किया जाता है। इंडिया के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड में माइका और ज़्यादा मिलने से इंटरनेशनल कॉस्मेटिक कंपनीज इंडिया से माइका को इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड 60% माइका सिर्फ बिहार और झारखंड में मिलने से इसको माइका बेल्ट भी कहते हैं। माइका की डिगिंग और प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होने से 1980 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाने के बावजूद बिहार और झारखंड के पूर पीपल माइका डिग कर इलीगली बेचते हैं। जनरली माइका डिगिंग के लिए बच्चों को काम पर लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे ही माइका को डिग करते हुए अंदर तक जा सकते हैं। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी और पत्थर गिरने से कई बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तब वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स 20,000 to 30,000 बच्चों के पेरेंट्स को देकर चुप कराते हैं। इलीगल होने के बावजूद भी यहां 5 years के बच्चे सुबह से शाम तक सिर्फ 20 to 30 rupees के लिए काम करते देखेंगे। कभी कभी माइका ओर के हार्मफुल गैसेस के कारण बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं और लंग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। निकाले गए माइका को यहां से चाइना भेजा जाता है, जहां प्रोसेसिंग होने के बाद कॉस्मेटिक कंपनीज को बेचा जाता है। माइका प्रोडक्शन इलीगली शुरू रहने की बात जब पता चली तो इंटरनेशनल मीडिया से आवाज उठाई गई। तब से सभी रिनॉन्ड कॉस्मेटिक कंपनीज ने सिंथेटिक माइका यूज करना शुरू किया, ताकि बच्चों की लाइफ बच सके। और कई एनजीओस भी ये बच्चों के लिए सेफ्टी मेजर्स के साथ आगे आए। और अब सभी ने ये जानना जरूरी है कि मार्केट में अवेलेबल सिंथेटिक कॉस्मेटिक्स से इमीडिएट रिजल्ट तो जरूर देखेंगे, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी रेगुलर यूसेज के बाद जरूर देखेंगे। ये है हर किसी के लाइटनिंग फेस के पीछे का डार्क सीक्रेट। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।